अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, अज़ीज़ बच्चों, आप सभी कंप्यूटर से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। कंप्यूटर के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके ज़रिए हम कौन कौन से काम कर सकते हैं, इसकी मज़ीद मालूमात हम हमारी अगली नज़्म संगणक यानी कि कंप्यूटर इसके ज़रिए हासिल करेंगे। इस नज़्म के शायर है बबन शिंदे। तो चलिए नज़्म शुरू करते हैं। कविता क्रमांक 25, संगणक। ऐका व म्हणा, सुनो और कहो, घरीच माझ्या संगणक आणणार, अचूक गणित त्यावर करणार। प्यारे बच्चों, शायर कहते हैं कि हमारे घर क्या लाएंगे, कंप्यूटर, और उस पर रियाजी की मुख्तलिफ मिसालें हल करेंगे। प्यारे बच्चों, जब हम रियाजी की मिसालें हल करते हैं तो उसमें हमसे गलतियां हो सकती है, लेकिन यही मिसालें अगर कंप्यूटर पर की जाए तो उसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं होती। तो शायर यही कहते हैं कि अचूक गणित त्यावर करणार, मतलब अब मैं कंप्यूटर के ज़रिए रियाजी की सही सही मिसालें हल करूँगा। सुबक सुंदर काढणार चित्र, देश विदेशात जोड़नार मित्र। शायर कहते हैं कि मैं कंप्यूटर के ज़रिए आसान और ख़ूबसूरत तस्वीरें बनाऊंगा और इसके साथ साथ अपने मुल्क और बैरून ममालिक से दोस्ती करूंगा। संगणका द्वारे आता संवाद साधनार, दूरच्या व्यक्तीचा चेहरा बघणार। शायर कहते हैं कि कंप्यूटर के ज़रिए मैं बातचीत करूंगा और जो लोग दूर है उन्हें वीडियो कॉल के ज़रिए देखूँगा। घरीच बसून जग बघणार, व्यवहार सारे झटपट करणार। शायर कहते हैं कि अब मैं कंप्यूटर के ज़रिए घर में बैठे बैठे पूरी दुनिया को देख सकता हूँ और इसके साथ साथ मैं अपने काम भी जल्दी जल्दी कर सकता हूँ। तो देखा बच्चों आपने, कंप्यूटर के कितने सारे फ़ायदे हैं। कंप्यूटर के ज़रिए बहुत सारे काम आसानी से किए जा सकते हैं।